बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंटों के लिए खोला खजाना। पाकिस्तान जिसके लिए देता है 29 लाख रुपए, भारत देगा वहीं 5 करोड़ रुपए। रणजी चैंपियन की इनामी राशि में 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। वहीं सबसे ज्यादा फायदा बीसीसीआई के नए कदम में सीनियर महिलाओं की वनडे और T20 ट्रॉफी जीतने वाली टीमों को हुआ है। बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंटों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद साफ है कि अब घरेलू टूर्नामेंट जीतने वाली टीमें और अधिक मालामाल होगी, उनकी स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर हो सकेगी। बीसीसीआई ने इनामी राशि को बढ़ाने का फैसला रणजी ट्रॉफी समेत सभी घरेलू टूर्नामेंटों के लिए लिया है। रणजी ट्रॉफी चैंपियन की इनामी राशि में 2.5 गुना इजाफा हुआ है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने ट्वीट कर घरेलू टूर्नामेंटों की इनामी राशि में बढ़ोतरी की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है, हमने घरेलू क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयासों को बरकरार रखा है और मुझे खुशी है कि घरेलू टूर्नामेंटों की प्राइज मनी बढ़ने जा रही है। आइए अब जरा एक एक कर भारत के हर एक घरेलू टूर्नामेंटों की नई प्राइज मनी के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत सबसे पहले बड़े टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी से ही करते हैं, जहां पहले विजेता को 2 करोड़ रुपए मिलते थे, वहीं अब 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं उप विजेता के लिए 1 करोड़ रुपए से बढ़कर 3 करोड़ रुपए की रकम कर दी गई है, जबकि सेमीफाइनल हारने वाली टीम को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। रणजी ट्रॉफी भारत का सबसे बड़ा घरेलू टूर्नामेंट है और अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट के कायदे आजम ट्रॉफी में मिलने वाली राशि से की तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि हालात कितने बेहतर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कायदे आजम की विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए देता है, मतलब भारतीय रुपयों में उन्हें गिने तो 29 लाख रुपए भी नहीं होते। ईरानी कप में विजेता टीम को 25 लाख रुपए की जगह अब सीधे डबल यानी 50 लाख रुपए मिलेंगे। दुलीप ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 40 लाख रुपए के बदले पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी में भी अब इनामी राशि 1 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पहले 30 लाख रुपए थी। देवधर ट्रॉफी में विजेता टीम की इनामी राशि 25 लाख रुपए से बढ़कर 40 लाख रुपए कर दी गई है और सैयद मुश्ताक अली जीतेगा उसे 25 लाख रुपए की जगह 80 लाख रुपए मिलेंगे। महिला टूर्नामेंट की इनामी राशि में बम्पर इजाफा हुआ है। बीसीसीआई के इनामी राशि बढ़ाने के फैसले को लेकर सबसे ज्यादा फायदा सीनियर महिलाओं को हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां 8 गुना से भी अधिक बढ़ोतरी इनामी राशि में देखने को मिली है। वनडे ट्रॉफी की विजेता टीम को 6 लाख रुपए की जगह 50 लाख रुपए मिलेंगे। वही T20 ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 5 लाख रुपए की जगह 40 लाख रुपए मिलेंगे।